SC ST एक्ट में हुए बदलाव को लेकर चल रहे हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई आज ही दोपहर 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने इसके लिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस UU ललित की अगुवाई में बेंच का गठन किया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी की परिस्थिति काफी मुश्किल है, ये एक तरह के इमरजेंसी के हालात हैं। 14 लोग अभी तक मर चुके हैं, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इसीलिए केंद्र सरकार की अपील है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि अभी मामला चीफ जस्टिस की बेंच को भेजा जा सकता है। एमिकस क्यूरी अनवरेंद्र शरण ने इस बात पर आपत्ति जताई है। शरण का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का कारण नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि हम अन्य मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना सरकार की जिम्मेदारी है। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों का सोमवार को भारत बंद का असर देश के 12 राज्यों में देखा गया। इनमें से उन राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा और प्रदर्शन देखने को मिली जहां पर इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इनके अलावा पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंसक झड़प हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7, UP और बिहार में 3-3, वहीं राजस्थान में 1 की मौत हो गई। उधर पंजाब में बंद के चलते CBSE की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसकी खास वजह है, दरअसल जिन राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुए वहां की 71 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर SC ST वोटर्स असर डालते हैं।